अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी बीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छा सा डेज़र्ट, जो कि बहुत इजी है, क्विक रेसिपी है और बहुत ही अच्छा बनता है। बच्चे बहुत इसको लाइक करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड के मैंने यहाँ पर 8 स्लाइसेस लिए हैं, जिसको मैंने साइड्स जो हैं कट कर दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है रेड कलर वाली जेली, आप किसी और कलर में भी ले सकते हैं। एक पैकेट, जिसको मैंने 1.5 कप पानी के अंदर बनाना है। 1 कप गर्म पानी के साथ मैं इसको डिसॉल्व कर लूँगी और बाद में फिर 1/2 कप पानी जो है, जो कि मैं नॉर्मल वाटर डालूँगी ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, और फिर हम उसके ऊपर जो डालेंगे तो वो आगे आप देखिएगा। साथ में मैंने ली है 1/2 कप शुगर और इसको 1/4 कप पानी के अंदर हमने जस्ट डिसॉल्व करना है। 1/2 कप शुगर हम डालेंगे, 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको डिसॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना कि इसके ग्रेनुल जो है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसको शीरे को या सिरप को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। उसके बाद हमने साथ में लेना है 1 पैकेट टेट्रा क्रीम का, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, और उसको बीट नहीं करना। मैंने बिल्कुल बीट नहीं किया, एज इट इज़ निकाल के यहाँ पर रख दिया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पानी जो है 1 कप के करीब मैंने रखा था, वो मैंने बॉईल करने के लिए, अब यहाँ पर वो उसमें बॉईल आ चुका है। तो अब मैं ये शुगर इसमें डालूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने जेली जो है वो अच्छे से मिक्स कर ली है। पूरी देख सकते हैं सारे ग्रेनुल्स डिसॉल्व हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम नॉर्मल टैप, जो हमारा नॉर्मल पीने का पानी होता है, वो पानी डालेंगे 1/2 कप के करीब। अच्छा, वजह क्या है, हम इसमें 1.5 कप में बना रहे हैं और 1/2 कप हम बाद में डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे तो बहुत हॉट होगा, तो उसकी वजह से ये आपकी क्रीम ख़राब करेगा जेली। तो उसको हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है और उससे के स्टर करते रहना है। तो आइए चलते हैं अब हम इसको सारी लेयरिंग करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ब्रेड लेंगे, ब्रेड को प्लेस करेंगे इसकी हिसाब से। मैंने कुछ हाफ कर दिए हैं पीसेस, ताकि ये नीचे इवनली मैं प्लेस कर सकूँ सब पीसेस को। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो शुगर सिरप लिया था 1/2 कप पानी के साथ, मैंने इसको बनाया है, उसको मैं इस पर ब्रश कर दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको ज़्यादा वाटरी नहीं करना है, वरना ये ब्रेड जो है वो पानी अपना नीचे शुगर सिरप के साथ मिलके पानी छोड़ देता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नहीं, यहाँ पर जो क्रीम ली है मैं इसको ऐड करूँगी। अब मैं इसको स्प्रेड करूँगी बाय द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। आप इसमें चाहें तो फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चे लाइक करते हैं, और इसको वेरिएशंस दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अब मैं दोबारा से अपने जो स्लाइसेस हैं ये प्लेस करूंगी। अभी मैंने बहुत पतली सी लेयर लगाई है। दोबारा से हम, मैंने सारे प्लेस कर दिए हैं, उसके बाद हम दोबारा से शुगर सिरप यहाँ पर लगाएंगे ब्रेड के ऊपर। इसके अंदर सिर्फ इतना ही शुगर सिरप ही जाता ही है, चीनी शुगर सिरप की सूरत के अंदर, अदरवाइज़ हम क्रीम के अंदर कोई चीनी या शुगर या कुछ भी इस तरह के स्वीटनर ऐड नहीं करते, और इसलिए ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और सब इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब ये सारी जो मैंने ब्रेड ली थी वो सब जगह से सोख हो गई है अच्छे से। अब इसके बाद दोबारा हम जो जितनी भी क्रीम है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे।
सॉस को स्पैचुला से इवनली स्प्रेड कर देंगे। बस लास्टली इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारी जेली। अच्छा, आप सारी लेयरिंग करने के बाद जेली तैयार करके इस पर पोर करिएगा ताकि इस तरह क्रम्बलिंग ना हो। अब यहाँ पर जेली मैंने सारी पोर कर दी और इवनली स्प्रेड हर जगह कर दी है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट कर दूँगी, जस्ट थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। मैं पाइपिंग बैग यूज़ नहीं कर रही हूँ, स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप वो पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेकोरेशन। अब इसको हम रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में और क्लिंग रैप करके, ताकि फ्रिज की स्मेल या कुछ भी इसके अंदर ना पेनिट्रेट हो। और जब ये ठंडा हो जाएगा, चिल हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ।